हेलो ऑल, वेलकम टू रियल विक यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मिनी रेक। मिनी रेक का पॉलिसी क्या है, कैसे बुक करते हैं, क्या इसका रेट स्लैब्स होता है, क्या एडवांटेजेस है, एक्सेट्रा। तो आज इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए इस पे हम बात करते हैं। इंडियन रेलवे जो है 649 तरह का यूनिक कमोडिटीज 649 तरह का यूनिक कमोडिटीज को हैंडल करता है जो फ्रेट ऑपरेशन बिजनेस है। और भी अगर कोई डिटेल जानकारी आपको इस पे चाहिए तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं मिनी रेक। मिनी रेक का पॉलिसी जो है इंडियन रेलवेज में इंट्रोड्यूस हुआ और उस पॉलिसी के तहत जो है परमिट किया गया कि मिनी रेक सिर्फ और सिर्फ कवर्ड वागन में ही दिया जा सकता है। कवर्ड वागन, दो तरह का वागन होता है इंडियन रेलवेज में जिसमें माल को ढोया जाता है। एक होता है ओपन वागन, एक होता है कवर्ड वागन। ओपन वागन यानी कि ऊपर से टॉप पे आप देखे होंगे कि बिल्कुल ओपन होता है, और जो कवर्ड वागन होता है वो बिल्कुल ऊपर से और साइड से चारों तरफ से जो है कवर्ड होता है। कवर्ड वागन का टाइप जैसे कि BCN हो गया, BCN HL हो गया, एक्सेट्रा। तो मिनी रेक जो है सिर्फ और सिर्फ आपको कवर्ड वागन में ही सप्लाई होता है, और इसके लिए मिनिमम जो है 1260 टन जो है मिनिमम लोड होना चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है। मिनी रेक का जो कंपोजिशन है वो मिनिमम जो है 20 वागन होना चाहिए। 20 वागन से कम जो होगा वो मिनी रेक में नहीं काउंट होगा। 20 वागन से ज्यादा हो सकता है, 21 हो सकता है, 24 हो सकता है, 30 हो सकता है, एंड सो ऑन। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट कि मिनी रेक जो है किसी भी टर्मिनल के लिए बुक किया जा सकता है जहां पे फुल रेक या हाफ रेक टर्मिनल हो, और जहां पे फुल रेक एंड हाफ रेक को हैंडल किया जाता हो वहां के लिए बुक किया जा सकता है या वहां से बुक किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कि मिनी रेक जो है किन किन कमोडिटीज को लोड नहीं करता है, उसमें से है आपका कोल, ओर में जितना है आपका जैसे कि आयरन ओर एक्सेट्रा, और RMSP यानी कि रॉ मटेरियल फॉर स्टील प्रोडक्शन, मतलब कि स्टील के प्रोडक्शन में जो रॉ मटेरियल्स यूज होता है उसको भी मिनी रेक में नहीं दिया जाता है। इस पे जो है मिनी रेक पॉलिसी में ये है कि कोई भी STS यानी कि स्टेशन टू स्टेशन जो कंसेशन होता है वो अलाउ नहीं है। तो ये है आपका मिनी रेक का पॉलिसी। अब सवाल आता है कि मिनी रेक हम बुक कैसे करते हैं, हाउ टू बुक मिनी रेक। इसके लिए बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है और हैसल फ्री प्रोसेस है। जैसा कि आप जानते हैं आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक इंडेंट लगता है। इंडेंट यानी कि आप एक डिमांड प्लेस करते हैं, आप एक रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे इस तरीके का वागन चाहिए, इस तरीके का रेक चाहिए। तो आप इंडेंट के लिए या तो आप खुद भी इंडेंट लगा सकते हैं वॉइस पे जो आपका लॉगिन आईडी वगैरह मिला हो वहां से, या तो आप TMS पे जा सकते हैं, TMS टर्मिनल पे जहां पे गुड सुपरवाइजर बैठते हैं वहां पे जाकर आप अपना इंडेंट प्लेस करा सकते हैं। इंडेंट प्लेस करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि मिनी रेक के लिए आपको ऑप्शन में M सेलेक्ट करना है, M फॉर मिनी रेक, राइट। साथ ही साथ ये आपको स्पेसिफाई करना है कि आप किस कमोडिटी के लिए मिनी रेक चाहते हैं, सीमेंट हो गया या अदर देन सीमेंट हो गया, बट नॉट कोल, ओर्स एंड RMSP। तो मिनी रेक जो है किस कमोडिटी के लिए आप चाहते हैं उसको आप स्पेसिफाई करेंगे। साथ ही साथ आपको जो है WRF यानी कि वागन रजिस्ट्रेशन फी WRF देना होगा, जो कि 1500 रुपया पर वागन के हिसाब से चार्ज होता है, ओके। और यहीं पे आपको मिनी रेक का ऑप्शन चूज कर लेना होगा। तो इस तरीके से आप इंडेंट प्लेस कर दिए। जैसे ही आपका इंडेंट प्लेस हो गया तो उस इंडेंट के अगेंस्ट में आपको अलॉटमेंट दिया जाता है। अलॉटमेंट जो कि रेक अलॉटमेंट सिस्टम, जिसको कि हम RAS कहते हैं, RAS RAS कहते हैं। RAS जो है एक रेक अलॉटमेंट का एक सिस्टम बना हुआ है रेलवे में, जो कि बहुत सारे कस्टमर
जो कि अपना इंडेंट प्लेस करते हैं, फिर उनको हम कैसे रेक सप्लाई करेंगे वो हम RAAS से डिसाइड करते हैं, रेक अलॉटमेंट सिस्टम से डिसाइड करते हैं। रेक अलॉटमेंट सिस्टम में कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि जो प्रेफरेंशियल ट्रैफिक है यानी कि जो प्रायोरिटी ऑफ ट्रैफिक दिया जाता है, प्रायोरिटी ऑफ ट्रैफिक जो है फर्दर जो है कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि ए प्रायोरिटी, बी, सी, डी, ई। तो ए जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है और ई जो है आपका लिस्ट प्रायोरिटी होता है। तो एक तो देखा जाता है कि प्रायोरिटी ऑफ ट्रैफिक क्या है, दूसरा चीज देखा जाता है कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, वहीं से ODR बनता है यानी कि ओल्डेस्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसको भी ध्यान में रखा जाता है यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होता है। तीसरा पॉइंट होता है रेक अलॉटमेंट सिस्टम में रिस्ट्रिक्शन, क्या कोई ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है जहां के लिए आप रेक मांग रहे हैं वहां के लिए, या कोई सिविल रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, तो अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो उसको भी ध्यान में रखा जाता है। चौथा पॉइंट जो देखा जाता है वो होता है आपका कि कोटा स्पेसिफाइड बाई रेलवे बोर्ड, टाइम टू टाइम रेलवे बोर्ड कोटा स्पेसिफाइड करता है कि इतने रेक या ये चीज हमें इस जगह के लिए भेजना है। तो ये सारी चीजें देखते हुए रेक अलॉटमेंट सिस्टम के थ्रू आपका रेक अलॉट कर दिया जाता है। जैसे ही रेक अलॉट होता है आपको डंपिंग का परमिशन मिल जाता है, तो आपको प्रायर टू लोडिंग 24 आवर्स प्रायर टू लोडिंग आपको डंपिंग की परमिशन दे दी जाती है। तो आप अपना मटेरियल लाकर डंप करते हैं और डंप करने के बाद जैसे ही रेक सप्लाई की जाती है तो आप अपना लोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। लोडिंग के लिए जो यहाँ पे फ्री टाइम दिया जाता है मिनी रेक के केस में वो होता है 5 आवर्स। तो लोडिंग और अनलोडिंग दोनों के लिए जो है 5 आवर्स ही दिया जाता है, 5 घंटा फ्री टाइम अलाउंस होता है। उसके बाद अगर 5 घंटा से ज्यादा लगता है तो आपको जो है डैमरेज चार्ज देना होता है, जो कि एक पेनाल्टी होता है जब आप रेक को होल्ड करके रखते हैं, रोक के रखते हैं। तो ये तो हो गया आपका मिनी रेक बुक कैसे करते हैं, आपको कैसे मिलता है। अब सवाल आता है कि रेट स्लैब क्या होता है, कि मिनी रेक जो है दो तरीके का रेट स्लैब होता है, एक होता है ट्रेन लोड क्लास और एक होता है वागन लोड क्लास। जनरली जो वागन लोड क्लास है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रेन लोड क्लास रेट। तो जो ट्रेन लोड क्लास रेट है वो मिनी रेक को दिया जाता है और 3 स्लैब में जो है मिनी रेक के लिए डिवाइड किया गया है। स्लैब 1 जो कि 1500 किलोमीटर तक अप टू 1500 किलोमीटर तक अगर आपका मिनी रेक जा रहा है तो उसमें स्लैब 1 लगता है। स्लैब 2 लगता है अगर 1500 से 2000 किलोमीटर तक अगर आपका डिस्टेंस है तो स्लैब 2 लगता है। इसमें जो आपका जो बेसिक फेट है वो प्लस 7.5% आपका सप्लीमेंट्री चार्ज भी लगता है। जो स्लैब 3 है वो है आपका 2000 किलोमीटर एंड बियॉन्ड, अगर आपका मिनी रेक जा रहा है तो आप स्लैब 3 में आ जाते हैं और वहां पे आपको बेसिक फ्रेट जो है वो तो लगता ही है, साथ ही साथ 7.5% और 10% सप्लीमेंट्री चार्ज लगता है बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। तो ये आपका रेट स्लैब हुआ। जैसे ही आपका मिनी रेक लोड हो गया उसके बाद जो है उसका वेमेंट होता है और वेमेंट होने के बाद इस रेट स्लैब के अनुसार जो डिस्टेंस निकलता है उस डिस्टेंस के अनुसार जो है रेट स्लैब निकाला जाता है और फिर जो है आपका फ्रेट कैलकुलेट कर लिया जाता है, कितना भाड़ा हुआ कितना किराया हुआ वो कैलकुलेट कर लिया जाता है और उसके अगेंस्ट में जो है RR यानी कि रेलवे रिसीट जो है जनरेट कर दी जाती है। तो ये तो पूरा डिटेल रहा इसका। एडवांटेजेस क्या है मिनी रेक का, मिनी रेक बेसिकली जो पॉलिसी आया कि हम शॉर्ट लीड ट्रैफिक को, जनरली ये शॉर्ट लीड ट्रैफिक में ही जाता है मिनी रेक, तो शॉर्ट लीड ट्रैफिक को हम अट्रैक्ट करने के लिए लाइए, साथ ही साथ जो स्मॉल कस्टमर हैं उनको टारगेट किया गया कि जो रोड से जाते हैं वो रेलवे में आए और तमाम सारा जो बेनिफिट है उसको फेच कर पाए। तीसरा चीज कि जो स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो बिल्कुल स्टार्टिंग है इंडस्ट्रियलिस्ट वो जो है मिनी रेक का फायदा उठा सकते हैं और कंपिटिटिव इन्वायरमेंट में फाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग कि जो कंडेम कोचेस था जिनको CRT वागन्स कहा जाता है, कंटेनर रेल टर्मिनल, तो CRT वागन्स को जो है
फिर से उसको फिट करके हम मिनी रेक में यूज कर लेते हैं। बट जनरली हम मिनी रेक में फिजिकली जो है फुल रेक ही सप्लाई करते हैं, और साथ ही साथ उसमें जब डेस्टिनेशन पे वो रेक जाता है तो वहां से हम ट्राई करते हैं कि वो रेक जो है एम्प्टी ना आए और वहां से फुल रेक जो है लोड होकर आए। तो ये रहा मिनी रेक के बारे में पूरी जानकारी। आपको कहीं से भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आप सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रेलवे की। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, और किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें, हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे की।